और इधर इंदौर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकालकर विरोध किया है। शाहरुख खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और फिल्म और गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है। तो इंदौर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर अब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है, अर्थी लेकर ये रैली निकाली है और फिल्म पठान का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पठान फिल्म का चारों तरफ से जिस तरह से विरोध हो रहा है और अब ये नए तरीके से विरोध किया गया है, अर्थी लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है फिल्म का। बिल्कुल, आज जिस प्रकार से शाहरुख खान की जो फिल्म आने वाली पठान, उसको लेकर लगातार देश भर में विरोध किया जा रहा है और इंदौर में भी विरोध के अलग अलग जो तरीके हैं वो नायाब तरीके अपनाए गए हैं। इससे पहले शाहरुख खान का पुतला जलाया गया था, जो हिंदू जागरण के जो मंच के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान की अर्थी निकाली और उसका अंतिम संस्कार किया गया। साथ में हिदायत भी दी गई थी कि जो गाना है उसे उस फिल्म से हटाया जाए, नहीं तो जो विरोध है वो आगे भी किया जाएगा। साथ ही इंदौर के जो सिनेमा घर है उन्हें, उनके संचालकों से भी आग्रह किया गया है कि फिल्म पठान को वो ना दिखाएं। अगर ऐसा करते हैं तो जो हिंदू जागरण के जो मंच कार्यकर्ता है वो उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही जो फिल्म देखने जाने वालों को भी हिदायत दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा से जो फिल्म है वो देखने के लिए जाए, अन्यथा फिल्म देखने ना जाए। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो पठान फिल्म आने वाली है उसका देश भर विरोध हो रहा है और इसी तरह जो विरोध है वो इंदौर में भी हुआ, जहाँ पर जो हिंदू जागरण के मंच कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म की अर्थी निकाली। जी अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इंदौर से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं जहाँ फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है और अब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकालकर फिल्म का विरोध किया है। कंधे उठाऊं।